दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि नामांकन भरते वक्त तेज प्रताप यादव ने भाई तेजस्वी यादव को बताया अर्जुन, बोले होने वाले मुख्यमंत्री को मैं साथ लेकर आया हूं। वहीं कन्हैया कुमार ने लगाया गंभीर आरोप, कहा ईवीएम ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री और विधायक भी हो रहे हैक। वहीं आरजेडी ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की सूची, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी का नाम शामिल। वहीं एनडीए को लगा तगड़ा झटका, एनडीए के 15 नेताओं ने दिया इस्तीफा। वहीं आरजेडी को भी लगा बड़ा झटका, आरजेडी के 18 नेता पार्टी से बाहर। वहीं यूपी उत्तराखंड की 11 सीटों पर राज्यसभा चुनाव की घोषणा, 9 नवंबर को होगा मतदान। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। यदि आप भी मानते हैं कि इस बार बिहार में बड़ा परिवर्तन होने वाला है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, महाभारत की तर्ज पर है इस बार का विधानसभा चुनाव, छल प्रपंच मौर्य और बिसात सब कुछ मौजूद। जी आपको बता दें कि 70वीं बिहार विधानसभा चुनाव का संग्राम दिलचस्प पहेली बनता जा रहा है। इस पहेली को बुझाना सबके लिए आसान नहीं है। इस बार लड़ाई आमने सामने की बजाय असली महाभारत की तर्ज पर लड़ी जा रही है। इसमें छल प्रपंच मोहरे और बिसात सब कुछ मौजूद है। आपको बता दें कि एक मुहावरा, कहीं पे निगाहें और कहीं पर निशाना, सच होता नजर आ रहा है। पहली बड़ी खबर, तेज प्रताप यादव ने समस्तीपुर की हसनगंज सीट से भरा नामांकन, अपने भाई तेजस्वी यादव को बताया अर्जुन, बोले होने वाले मुख्यमंत्री को मैं साथ लेकर आया हूं। जी आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने समस्तीपुर की हसनगंज सीट से पर्चा भरा है। उनके साथ मुख्यमंत्री पद के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इसी बीच उन्होंने नामांकन को लेकर एक बार फिर से अपना उत्साह जाहिर किया है। उन्होंने छोटे भाई तेजस्वी यादव को बिहार का होने वाला मुख्यमंत्री और अर्जुन बताया, साथ ही साथ उन्होंने युवाओं से आरजेडी के साथ एकजुट होने की अपील की है। वह अगली बड़ी खबर, बिहार चुनाव में गरजे कन्हैया कुमार, एनडीए पर लगाया गंभीर आरोप, कहा ईवीएम ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री और विधायक भी किए जा रहे हैक। जी आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची में कन्हैया कुमार को शामिल किया है। बेगूसराय में हुई अपनी पहली जनसभा में उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ साथ राज्य की नीतीश सरकार पर भी हमला करते हुए कहा कि अब तो ईवीएम की जगह मुख्यमंत्री और विधायक को हैक किया जा रहा है, जनता को इससे सतर्क रहने की जरूरत है। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया था, लेकिन उसने महागठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही हैक कर लिया और जनता के साथ ठगी की। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने इस बार जनता को इससे सतर्क रहने की अपील की है। वह अगली बड़ी खबर, आरजेडी ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की धांसू लिस्ट, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी का नाम शामिल। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजद ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की धांसू सूची जारी कर दी है और ये सूची चुनाव आयोग को भी सौंपी जा चुकी है। सूची में लालू परिवार से राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती का नाम शामिल है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का नाम मीसा भारती से भी नीचे है। इसके अलावा लिस्ट में शिवानंद तिवारी के साथ साथ मनोज कुमार झा को भी शामिल किया गया है। मनोज झा ने कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो वादा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया है, उसका क्रियान्वयन सरकार बनने के 2 माह के भीतर दिखने लगेगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में पहला फैसला यही होगा, 10 लाख सरकारी नौकरी दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पूरे देश और दुनिया ने सड़कों पर भटकते बिहारियों का दर्द देखा, हमारा वादा है कि ऐसा दर्द फिर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब लोग सरकार को रहे थे, तब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके दल के लोग पूरे देश में फंसे बिहारियों की मदद में जुटे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में 15 साल में तमाशे के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। वह अगली बड़ी खबर, जेडीयू के 15 नेताओं ने जेडीयू से की बगावत, दूसरे दलों में हुए शामिल, अब जेडीयू ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। जी आपको बता दें कि जेडीयू ने एनडीए के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे 15 नेताओं की प्राथमिक सदस्यता निलंबित करते हुए अब उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जेडीयू के महासचिव नवीन आर्या ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। बता दें कि सोमवार को भाजपा से बगावत करके लोजपा समेत अन्य पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले सभी 15 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इनमें राजेंद्र सिंह, रामेश्वर चौरसिया और उषा विद्यार्थी जैसे जाने माने नाम शामिल हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इनके चुनाव मैदान में उतरने से पार्टी की छवि खराब हो रही है। भाजपा के निर्णय से इतर जाकर चुनाव लड़ने वाले सभी 15 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया गया।
वह अगली बड़ी खबर, आरजेडी ने सर्वे रिपोर्ट में नेगेटिव छवि वाले 18 विधायकों के काटे टिकट। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर राजद ने चुनाव पूर्व सभी विधानसभा क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया था। एक प्राइवेट एजेंसी द्वारा किए गए इस सर्वे की रिपोर्ट का असर पार्टी के टिकट वितरण पर दिखा है। आपको बता दें कि 2 दर्जन से अधिक ऐसे मौजूदा विधायक थे जिनकी रिपोर्ट उनके निर्वाचन क्षेत्र से अच्छी नहीं आई थी। उन्हें दोबारा टिकट देने पर हार की आशंका जताई गई थी। साथ ही सीट का जातिगत गणित भी इस रिपोर्ट में शामिल था। जहां तक राजद के टिकटों का सवाल है तो पार्टी के अब तक 1.5 दर्जन विधायक बेटिकट हो चुके हैं। आपको बता दें कि हालांकि इनमें 2 ऐसी सीटें भी शामिल हैं जिनमें टिकट उन्हीं के परिजनों को मिला है। आपको बता दें कि सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अब तक आरजेडी ने 18 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। वह अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने एनडीए पर बोला तगड़ा हमला। कहा, अभी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा, लेकिन चुनाव के बाद कौन होगा इसका पता नहीं। जी आपको बता दें कि आरजेडी के नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सीएम उम्मीदवारी को लेकर तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी तो नीतीश कुमार एनडीए के सीएम का चेहरा है, लेकिन चुनाव के बाद कौन होगा इसका पता नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता हमारे साथ एक पैर पर खड़ी है, जनता के साथ इस निकम्मी सरकार को गिराएंगे ये बिल्कुल तय है, खुद माहौल बनता चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनते ही हम सबसे पहले 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। हम ठेठ बिहारी हैं, रोजगार का वादा किया है तो रोजगार जरूर देंगे। हमारा डीएनए एकदम शुद्ध है। रोजगार की जगह तमंचे बांटने वाले बीजेपी के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये एनडीए की सोच है, क्या कहती है किसी को नहीं पता। हम कलम बांटने की बात करते हैं और एनडीए तलवार की बात करती है। उन्होंने कहा कि हम सरकार बना रहे हैं और हमारी सरकार मतलब जनता की सरकार। वह अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला, अब नए मतदाताओं को स्पीड पोस्ट से मिलेगा निशुल्क वोटर आईडी कार्ड। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व नए मतदाताओं को स्पीड पोस्ट से निशुल्क मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड मिलेगा। चुनाव आयोग ने राज्य के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और सह जिलाधिकारी को नए मतदाताओं को स्पीड पोस्ट के माध्यम से फोटो युक्त ईपिक यानी आईडी कार्ड उपलब्ध कराने का आदेश दिया है, ताकि वे आम चुनाव में अपना वोट दे सके। निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार नए मतदाताओं को ईपिक यानी आईडी कार्ड उपलब्ध नहीं होने की शिकायत के बाद यह निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि अब आपको वोटर आईडी कार्ड लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अब आपको आपके घर पर ही बिल्कुल फ्री में स्पीड पोस्ट के माध्यम से आईडी कार्ड मिलेगा। वह अगली बड़ी खबर, बिहार में 21 अक्टूबर से गरजेंगे राहुल गांधी, 16 दिन में करेंगे 5 रैलियां। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए 21 अक्टूबर से बिहार में सक्रिय हो जाएंगे। फिलहाल वे वर्चुअल माध्यम से बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जल्दी ही उनके फिजिकल कार्यक्रम भी घोषित होंगे। पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2020 के मद्देनजर 30 स्टार प्रचारकों को बिहार में लगाया है। इन 30 नेताओं में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेता भी शामिल हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे दौर के लिए राहुल गांधी की फिलहाल 6 वर्चुअल रैलियां निर्धारित की हैं, जिनकी तारीखें घोषित हो गई हैं, लेकिन रैलियां किन क्षेत्रों में होंगी ये अभी तय नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी की पहली वर्चुअल रैली 21 अक्टूबर को संभावित है। इसके बाद 24 अक्टूबर, 27 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को रैली होगी और नवंबर में 1 नवंबर और 5 नवंबर को रैली होगी। आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया कि इन तिथियों में फेरबदल भी हो सकता है। राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की वर्चुअल रैलियां की घोषणा 1-2 दिन के अंदर हो जाएगी। आपको बता दें कि वर्चुअल रैलियों के अलावा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की फिजिकल रैलियां भी होंगी। चर्चा है कि 3 चरण के चुनाव में राहुल गांधी की 6 जबकि प्रियंका गांधी की 3 फिजिकल रैलियां होंगी। वह अगली बड़ी खबर, बिहार में आरजेडी तलाश रहा नया वोट बैंक, बसपा के कोर वोटरों को तोड़ने का बनाया प्लान। जी आपको बता दें कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और बहुजन समाज पार्टी की सीआईसी अदावत का आगाज हो चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लखनऊ जाकर मायावती से सहयोग और समर्थन मांगा था। तालमेल के तहत बिहार में बसपा को 1 सीट देने की बात हुई थी, परंतु ये समझौता परवान नहीं चढ़ सका। अब विधानसभा चुनाव में दोनों दल की सुराथी दुश्मनी
आसानी से होगी। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी से अलग चुनाव लड़ने वाली सपा ने अब की बार आरजेडी को बिना शर्त समर्थन दे रखा है। आपको बता दें कि बसपा और आरजेडी के बीच की कड़वाहट अभी और बढ़ेगी, क्योंकि पार्टी तोड़ने के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार में मायावती की बुनियाद पर सीधा प्रहार शुरू कर दिया है। बीएसपी यानी बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास करते हुए नेता प्रतिपक्ष टिकट वितरण में सबसे ज्यादा उस जमात को तरजीह दे रहे हैं जिसे मायावती प्रभावित होने का दावा करती हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने पूरे तरीके से बसपा के वोट अपनी ओर आकर्षित करने का ऐलान किया है। वह अगली बड़ी खबर यूपी और उत्तराखंड की 11 सीटों पर राज्यसभा चुनाव की घोषणा, 9 नवंबर को होगा मतदान। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 11 सीट और उत्तराखंड की एक सीट के लिए राज्यसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। इसके लिए 9 नवंबर को मतदान होगा। राज्यसभा चुनाव के लिए 20 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक नामांकन होगा। इन सीटों पर कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि उधर कांग्रेस के लिए दोहरी परेशानी है, क्योंकि पीएल पुनिया का जहां पर उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद के रूप में कार्यकाल खत्म होगा, वहीं उत्तराखंड से कांग्रेस के ही राजबब्बर का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। लिहाजा दोनों जगह कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल न होने के कारण उनका कोई भी उम्मीदवार राज्यसभा के लिए नहीं चुना जाएगा। उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश को मिलाकर राज्यसभा की 11 सीटें खाली होंगी। आपको बता दें कि जिसमें 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। वह अगली बड़ी खबर बिहार चुनाव को लेकर वाहन तलाशी तेज, अब तक 6 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद। जी आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान तलाशी अभियान में नकदी बरामद करने का सिलसिला जारी है। पुलिस द्वारा वाहन तलाशी अभियान के दौरान बरामद किए जा रहे इस नकदी के संदर्भ में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इसका उपयोग चुनाव में तो नहीं किया जा रहा। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक अब तक 6 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जब्त की जा चुकी है। बिहार पुलिस एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि झारखंड सीमा पर तलाशी अभियान के दौरान हाल ही में अभी 8,43,00,000 रुपए की राशि बरामद की गई है। उधर वातानुकूलित ट्रेन से भी 19,50,000 रुपए की राशि बरामद की गई है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर अब तक 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद की जा चुकी है। अगली बड़ी खबर बिहार चुनाव में दोस्ती में पड़ी तगड़ी दरार, बीजेपी के खिलाफ एलजेपी ने उतारा उम्मीदवार, रोसड़ा से चिराग के भाई लड़ेंगे चुनाव। जी आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों चुनावी दावों पर विराम लगना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जहां पर एक ओर बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज 9 बीजेपी उम्मीदवारों ने एलजेपी से दावेदारी की है, तो वहीं बीजेपी ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। तो वहीं एलजेपी ने भी बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारकर दोस्ती में पड़ी दरार को साफ कर दिया है। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन से अलग होने के बाद भी बीजेपी से दोस्ती का दम भरने वाले एलजेपी ने रोसड़ा विधानसभा से बीजेपी के खिलाफ अपने पहले प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। चिराग पासवान के चचेरे भाई कृष्ण राज को एलजेपी ने यहां से टिकट दे दिया है। आपको बता दें कि इस विधानसभा से एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के चचेरे भाई कृष्ण राज को टिकट दिया गया है। कृष्ण राज 15 अक्टूबर को रोसड़ा विधानसभा के लिए नामांकन करेंगे। वह अगली बड़ी खबर बिहार ओपिनियन पोल में बड़ा खुलासा, एनडीए को मिल सकती हैं 160 सीटें लेकिन नीतीश पर भारी पड़ेगी बीजेपी। आगे जाने से पहले आपको बता दें कि ये दावा हमारा नहीं बल्कि टाइम्स नाउ और सी वोटर का है। टाइम्स नाउ और सी वोटर के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए एक सर्वे के मुताबिक राज्य में एक बार फिर से नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार बन सकती है। टाइम्स नाउ और सी वोटर के ओपिनियन पोल में ऐसा ही कुछ आंकड़ा सामने आया है। सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में 160 सीट पर एनडीए को जीत मिल सकती है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 76 सीटें मिल सकती हैं, अन्य को 7 सीटें जिसमें 5 एलजेपी को मिल सकती हैं। ये तो रहा टाइम्स नाउ और सी वोटर का ओपिनियन पोल, अब हम आपका ओपिनियन पोल जानना चाहते हैं। आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।